अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको एक ताज़ा तरीन खबर से आगाह करता हूँ। मुल्क के अंदर महंगाई में इजाफा, नवाज शरीफ से सीनियर क़यादत की जेल में मुलाकात, दमादम मस्त करने की हदायत, खलबली मच गई। हुकूमत ने आवाम के साथ जो रवैया अपनाया वो किसी सूरत कबूल नहीं। नवाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं से कोर्ट लखपत जेल में गुफ्तगू करते हुए साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा है कि हुकूमत की आवाम को रिलीफ देने की नीयत ही नहीं है। एमनेस्टी स्कीम को बुरा भला कहने वाला अब किस मुंह से ये स्कीम ला रहे हैं। हुकूमत ने आवाम के साथ जो रवैया अपनाया वो किसी सूरत कबूल नहीं है। तफसीलात के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं ने कोट लखपत जेल में मियां नवाज शरीफ से मुलाकात की। इस मौके पर एहसन इकबाल, ख्वाजा आसफ परवेज़, रशीद राना, तनवीर तलाल चौधरी, सायरा अफजल तारर और अब्बास अफरीदी समेत दीगर रहनुमाओं ने नवाज शरीफ को मुल्की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। मुलाकात में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने मुल्की मईशत की बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया और पार्टी रहनुमाओं को हदायत की कि वो आवाम राबता मुहिम तेज़ करें। नवाज शरीफ ने जूनियर कौंसिल सतह पर तंजीम साजी की भी हदायत की और अवामी राबता मुहिम के सिलसिले में एहसन इकबाल को ज़िम्मेदारी सौंप दी गई है। तो नाज़रीन, आप इस पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय के इस बारे में कमेंट बॉक्स में दें। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल लाजमन सब्सक्राइब करें। Thanks for watching.